Good morning, students. Believing that you are enjoying your Corona holidays by studying a lot. Nowadays, I am sending you homework on WhatsApp. But today we are going to discuss your syllabus of class 12th. It is equally important for you. Syllabus of class 12th English, Uttarakhand Board, Core B. Here we used word core. It refers to, as you know, English is a compulsory subject in CBSE board and many other state board. That's why it's considered a core subject and a core language. यदि मैं CBSE की बात करूँ तो CBSE में और हमारे सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं वहाँ पर वे हमारे अपने सिलेबस के अलावा दो नोवेल पढ़ते हैं और हमारे यहाँ नोवेल हमारे सिलेबस में नहीं है मेंशन और कुछ चैप्टर भी CBSE में शॉर्ट हैं जो हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं और वहाँ लैप्स हैं. Students, your syllabus is divided into three sections. First is section A, second is section B, and third is section C. Section A, also known as comprehension section, also called reading skills or reading section. It's carry 20 marks. And section B, also called advanced writing skills, and it's carry 35 marks. And section C, literature section, and it's carry 45 marks. Now comes section A. Section A की जहाँ तक बात करें students, तो इस section में आपके लिए दो unseen passage पूछे जाते हैं. First unseen passage में, passage first. As you can see, 5 or 6 questions will be given to you on the basis of this unseen passage, and you have to give the answer of these questions from this passage. जो पहला passage है उसमें आपके लिए 5 या 6 questions पूछे जाएंगे और जिनके answer आपको उसी passage से pick out करके देने हैं. Next, one question will based on to find out similar words, synonyms in the given passage. In 6 question में से 1 question ऐसा होगा जिसमें कि आपको 2 या 3 word दिए होंगे जिनके कि आपको synonyms pick out करने हैं इसी unseen passage से. तो ये जो passage है ये आपका 12 marks का होगा passage first. अब आते हैं सेकेंड पैसेज में. सेकेंड पैसेज जो है नोट मेकिंग से रिलेटेड है. देयर आर 2 क्वेश्चंस फॉर यू बेस्ड ऑन दीज पैसेज, यानी कि इस पैसेज के बेस पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. फर्स्ट में आपको नोट्स बनाने हैं पैसेज से छांट के, इम्पोर्टेंट पॉइंट पिक आउट करके, एंड सेकेंड जो आपने नोट मेकिंग की है उसकी एक समरी आपको लिखनी है. ये 8 marks का पैसेज है. इसमें 2 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन जो नोट मेकिंग का है वो 5 marks, एंड सेकेंड समरी जो है वो 3 marks. टोटल 12 + 8 = 20. सेक्शन ए कैरी 20 marks. नाउ कम्स टू सेक्शन बी. एज यू नो सेक्शन बी कैरी 35 marks. सेक्शन बी में ये एडवांस राइटिंग स्किल है तो इसमें आपको लिखना है फर्स्ट पोस्टर, सेकंड इनविटेशन एंड रिप्लाइज, थर्ड एडवर्टीजमेंट, फोर्थ नोटिस, फिफ्थ लेटर राइटिंग एंड सिक्स आर्टिकल.
इसमें दो टॉपिक और थे, सीबीएसई में दो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, स्पीच और डिबेट, बट हमारे यहाँ वो आते ही नहीं हैं, स्पीच एंड डिबेट या हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मेनली आपको इन्हीं पे फोकस करना है, पोस्टर, इन्विटेशंस, रिप्लाइज, एडवर्टीजमेंट, नोटिस, लेटर राइटिंग, आर्टिकल। जहाँ तक लेटर राइटिंग और आर्टिकल की बात है तो ये थोड़ा लॉन्ग राइटिंग स्किल में आएंगे, और पोस्टर, इनविटेशन, एडवर्टीजमेंट, नोटिस ये शॉर्ट राइटिंग स्किल में आएंगे। ये आपके लिए 4, 5 और 6 मार्क्स तक ही आएंगे। और लेटर राइटिंग और आर्टिकल की जहाँ तक बात है, ये आपके लिए 10 मार्क्स के आएंगे। इसमें एक पॉइंट और है, वो है रिपोर्ट, REPORT, रिपोर्ट। स्टूडेंट्स ये है आपका सेक्शन बी, ये टोटल 35 मार्क्स का है। इसमें आपके लिए 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे, 5 मार्क्स के भी, 10 मार्क्स के भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। नाउ कम्स टू सेक्शन थर्ड, सेक्शन सी, लिटरेचर। स्टूडेंट्स लाइक सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेक्शन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड सेक्शन सी ऑल्सो कॉल्ड लिटरेचर सेक्शन। ये आपके सिलेबस में मेंशन जो दो बुक हैं, फर्स्ट है फ्लेमिंगो एंड सेकंड है विस्टास। फ्लेमिंगो में थोड़ा चैप्टर को डिस्कशन कर लेते हैं। फ्लेमिंगो जो बुक है इसमें दो सेक्शन है, एक प्रोज सेक्शन है और सेकंड पोएट्री सेक्शन है। तो प्रोज सेक्शन में जो टॉपिक हैं, जो लेसन है, फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन, लेसन ही फर्स्ट है बट इसका नाम है द लास्ट लेसन, एंड इसके राइटर जो हैं वो हैं अल्फोंस डोडी। सेकंड जो लेसन है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, रिटन बाय अनीस जंग। थर्ड जो लेसन है डीप वाटर, रिट बाय विलियम डगलस। फोर्थ द रेड ट्रैप बाय सेल्मा लेजलोफ। फिफ्थ इंडिगो बाय लुइस फिशर। सिक्स पॉइट्स एंड पैनकेक्स बाय अशोक मित्रन। सेवन द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। एंड एट गोइंग प्लेसेस बाय ए आर बार्टन। फ्लेमिंगो बुक में जो दूसरा सेक्शन है वो है पोएट्री सेक्शन। फर्स्ट जो इसमें लेसन है, फर्स्ट ये पोएट्री का, उसका नाम है माय मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास। सेकंड जो लेसन है पोएट्री में, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, स्टीफन बाय स्टीफन स्पेंडर। थर्ड लेसन इज कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरुडा। फोर्थ पोएट्री लेसन अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। फिफ्थ अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यू नो, एन अमेरिकन पोइट। एंड पोएट्री में जो 6th चैप्टर है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, रिटन बाय एडरिने रिच। ये तो है आपकी पहली बुक नेम्ड एज फ्लेमिंगो। एंड जो सेकंड, तो जो फ्लेमिंगो है ये आपकी टेक्स्ट बुक है, और इसमें दो सेक्शन है, एक प्रोज सेक्शन है फ्लेमिंगो, एक प्रोज सेक्शन है और एक पोएट्री सेक्शन है, दो सेक्शन है। ये आपकी टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, ठीक है। नाउ कम्स टू विस्टास, सप्लीमेंट्री रीडर। ये आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, और इसमें जो पहला चैप्टर है उसका जो पहला लेसन है उसका नाम है द थर्ड लेवल, रिटन बाय जैक फिनी। एंड सेकंड द टाइगर किंग। थर्ड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ईशानी डोसी। थर्ड द एनिमी, पर्ल एस बक। फिफ्थ सुड विजार्ड हिट मम्मी, जॉन अपडाइक। सिक्स ऑन द फेस ऑफ इट, सुसान हिल। सेवन इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, कॉलिन डेक्स्टर। एट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिताला शाह एंड बामा। स्टूडेंट्स सेक्शन सी इट्स कैरी 45 मार्क्स। सेक्शन सी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 45 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन आएंगे। जो
आपका पोएट्री सेक्शन है, इसमें आपके लिए एक स्टेंजा आएगा जिसमें कि वो चार नंबर का होगा और उसमें आपको स्टेंजा में से क्वेश्चन पिक आउट करके आंसर देने हैं। और इसके अलावा 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 3 करने हैं। फ्लेमिंगो एंड विस्टास की जहां तक बात है तो फ्लेमिंगो जो आपकी टेक्स्ट बुक है इससे आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन कंपेरिजन टू विस्टास। आप अपने माइंड में ये इस सिलेबस को बैठा लीजिएगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि एक फ्रेम आपके माइंड में बन जाए सिलेबस को लेकर। सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 35 मार्क्स एंड सेक्शन सी 45 मार्क्स। यू कैन सी हियर 20 प्लस 35 प्लस 45 इक्वल टू 100 मार्क्स। स्टूडेंट्स, इट वॉज योर सिलेबस ऑफ क्लास 12th। आई विल ब्रिंग मोर वीडियो फॉर यू इन अपकमिंग डेज। आई होप यू विल लर्न नाउडेज अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।